साथियों, गीता प्रेस ने अपने 100 वर्षों की ये यात्रा एक ऐसे समय में पूरी की है जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष मना रहा है। इस तरह के योग केवल संयोग नहीं होते। 1947 के पहले भारत ने निरंतर अपने पुनर्जागरण के लिए अलग अलग क्षेत्रों में प्रयास किए। अलग अलग संस्थाओं ने भारत की आत्मा को जगाने के लिए आकार लिया। इसी का परिणाम था कि 1947 आते आते भारत मन और मानस से गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया। गीता प्रेस की स्थापना भी इसका एक बहुत बड़ा आधार बनी। 100 साल पहले का ऐसा समय जब सदियों की गुलामी ने भारत की चेतना को धूमिल कर दिया था। आप भी जानते हैं कि इससे भी सैकड़ों साल पहले विदेशी आक्रांताओं ने हमारे पुस्तकालयों को जलाया था। अंग्रेजों के दौर में गुरुकुल और गुरु परंपरा लगभग नष्ट कर दिए गए थे। ऐसे में स्वाभाविक था कि ज्ञान और विरासत लुप्त होने की कगार पर थे। हमारे पूज्य ग्रंथ गायब होने लगे थे। जो प्रिंटिंग प्रेस भारत में थे वो महंगी कीमत के कारण सामान्य मानवी की पहुंच से दूर थे। आप कल्पना करिए, गीता और रामायण के बिना हमारा समाज कैसे चला रहा होगा। जब मूल्यों और आदर्शों के स्रोत ही सूखने लगे तो समाज का प्रवाह अपने आप थमने लगता है। लेकिन साथियों, हमें एक बात और याद रखनी है। हमारे भारत की अनादि यात्रा में ऐसे कितने ही पड़ाव आए हैं जब हम और ज्यादा परिष्कृत होकर के निकले हैं। कितनी ही बार अधर्म और आतंक बलवान हुआ है। कितनी ही बार सत्य पर संकट के बादल मंडराए हैं। लेकिन तब हमें श्रीमद् भागवत गीता से ही सबसे बड़ा विश्वास मिलता है। यदा यदा ही धर्मश्च ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अर्धमस्य तदात्मानम सुजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की सत्ता पर, सत्य की सत्ता पर संकट आता है तब तब ईश्वर उसकी रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। और गीता का 10वां अध्याय बताता है कि ईश्वर कितनी ही विभूतियों के रूप में सामने आ सकता है। कभी कोई संत आकर समाज को नई दिशा दिखाते हैं तो कभी गीता प्रेस जैसी संस्थाएं मानवीय मूल्यों और आदर्शों को पुनर्जीवित करने के लिए जन्म लेती है। इसलिए ही 1923 में जब गीता प्रेस ने काम करना शुरू किया तो भारत के लिए भी उसकी चेतना और चिंतन का प्रवाह तेज हो गया। गीता समेत हमारे धर्म ग्रंथ फिर से घर घर गूंजने लगे। मानस फिर से भारत के मानस से हिलमिल गई। इस ग्रंथों से पारिवारिक परंपराएं और नई पीढ़ियां जुड़ने लगी। हमारे पवित्र ग्रंथ आने वाली पीढ़ियों की थाती बनने लगे।